ध्यान रखने योग्य जरूरी बातें। नंबर एक, पेट अगर ज़्यादा बढ़ गया है तो लहसुन के रस से पेट की मालिश करें, पेट कम होने लगता है। नंबर दो, जिन औरतों के चेहरे पर दाग धब्बे हैं तो उन्हें तुलसी का रस पीना चाहिए, इससे कुछ ही दिनों में दाग दूर हो जाएंगे। नंबर तीन, अखरोट और केले का सेवन करने से शरीर में ताकत मिलती है। नंबर चार, अगर आपको डिप्रेशन की दिक्कत है तो आप पुदीने को सूंघ लिया करें। नंबर पाँच, आटे में दूध और चीनी मिलाकर चेहरे पर लगाने से चेहरे का रंग साफ होता है। नंबर छः, रोटी बनाते समय भाप से हाथ जल जाए तो आलू काटकर उसका टुकड़ा लगा लें, उससे आराम मिलेगा। नंबर सात, अदरक के टुकड़े पर सेंधा नमक लगाकर धीरे धीरे चूसने से आवाज़ खुल कर आती है। नंबर आठ, अगर आप सब्जी को ताज़ा रखना चाहते हैं तो पानी में सिरका मिलाकर सब्जियों के ऊपर छिड़क दें, इससे सब्जियां ख़राब नहीं होंगी। नंबर नौ, दही को जल्दी और अच्छी जमाने के लिए रात को जमाते वक्त दूध में साबुत हरी मिर्च डाल दें, इससे दही अच्छी जमेगी। नंबर दस, नीम के पेड़ की दातुन कर लेने से मुंह की बदबू दूर हो जाती है। नंबर ग्यारह, रात को सोने से पहले चाय पीने से बचें, इससे आपको पेशाब का इन्फेक्शन हो सकता है। नंबर बारह, थोड़ी सी जीरे को तवे पर भून लें, फिर उसे पीस कर उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर खाएं, पेट का दर्द गायब हो जाएगा। नंबर तेरह, नेल पेंट और लिपस्टिक को फ्रिज में रखें, इससे नेल पेंट सूखती नहीं और लिपस्टिक ज़्यादा समय तक चलती है। नंबर चौदह, विटामिन ई की कैप्सूल और एलोवेरा जेल मिलाकर रात को सोते टाइम अपने चेहरे पर लगा लें, इससे चेहरा ग्लोइंग होगा और रूखापन भी दूर हो जाएगा। नंबर पंद्रह, कॉफ़ी पाउडर में एलोवेरा जेल मिलाकर चेहरे पर लगाने से दाग धब्बे दूर हो जाते हैं और चेहरा मुलायम हो जाता है। नंबर सोलह, सर्दियों के नारियल तेल हमारी स्किन पर मॉइस्चराइजर का काम करता है, इससे चेहरे की मालिश करनी चाहिए। नंबर सत्रह, प्याज के रस में नींबू निचोड़कर पीने से सीने की जलन शांत हो जाती है। नंबर अट्ठारह, लौंग का तेल सरसों के तेल में मिलाकर कमर पर मालिश करने से कमर का दर्द चला जाता है। नंबर उन्नीस, दर्द वाली जगह पर सरसों के तेल की मालिश करने से जोड़ का दर्द गायब हो जाता है। नंबर बीस, अगर हैजा हो गया है तो चार चम्मच करेले का रस लेकर उसमें ज़रा सा सेंधा नमक मिलाकर बीमार व्यक्ति को थोड़ी थोड़ी देर पर पिलाया करें, हैजे का मर्ज चला जाएगा। नंबर इक्कीस, अगर सूखी खांसी से परेशान हैं तो एक चम्मच शहद और काली मिर्च को मिलाकर खाएं, इससे खांसी में जल्दी आराम मिलेगा। नंबर बाईस, बाई करवट पर सोना हेल्थ के लिए बेहतर माना जाता है, इससे हार्ट पर ज़्यादा दबाव नहीं पड़ता है, वह बेहतर तरीके से काम कर पाता है। बाईं तरफ सोने से आपके पाचन पर भी प्रभाव पड़ता है। नंबर तेईस, एक कटोरी में दही, बेसन, खीरे का रस, टमाटर का रस मिक्स करके चेहरे पर लगाने से फेस पर ग्लो आएगा। नंबर चौबीस, स्किन को टाइट करने के लिए मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग करें, इससे स्किन टाइट हो जाएगी और चेहरे पर निखार भी आता है। नंबर 25, ग्लिसरीन आपकी त्वचा को नर्म रखता है, इसलिए ग्लिसरीन में गुलाब जल मिलाकर रात को सोते समय चेहरे पर जरूर लगाना चाहिए। नंबर 26, हल्दी और हरे धनिए की पत्तियों को पीसकर पेस्ट बना लें और इसे चेहरे पर लगाने से ब्लैक हेड्स ठीक हो जाते हैं। नंबर 27, सुबह के नाश्ते में ब्रेड बटर खाने से अच्छा है दलिया, जूस वगैरह खाना चाहिए, यह हेल्दी होता है, इससे शरीर को अच्छा पोषण मिलता है। नंबर 28, बच्चों को अंडे का सेवन जरूर करना चाहिए, इससे कैल्शियम मिलता है। नंबर 29, दूध में हल्दी डालकर पीने से कई सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। नंबर 30, नींबू के बीज खा लेने से कई सारी बीमारियां दूर होती हैं, वैसे तो यह बहुत कड़वे होते हैं लेकिन फ़ायदेमंद बहुत होते हैं। नंबर 31, चेहरे पर चुकंदर के छिलके रगड़ने से क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नंबर 32, बालों पर नींबू का रस लगाने से बाल चमकदार हो जाते हैं। नंबर 33,
सोते समय पैरों में मोजे नहीं पहनना चाहिए, इससे आपके सर में गर्मी पैदा हो सकती है। नंबर 34, रोजाना सुबह खाली पेट एक चम्मच नीम का रस पीने से कई सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। नंबर 35, लहसुन को छीलकर उसकी कुछ कलियां दरवाजे पर रख दीजिए, छिपकलियां नहीं आती हैं। नंबर 36, अगर आप टॉयलेट में जाते समय अपने दांतों को दबाए रखते हैं तो इससे लकवा जैसी बीमारियां नहीं होती हैं। नंबर 37, बालों को बांध कर रखने से दिमाग तेज होता है और बाल मजबूत और घने होते हैं। नंबर 38, दूध की मलाई में चीनी डालकर फेंटा जाए तो इससे मक्खन ज़्यादा निकलता है। नंबर 39, सूखी हुई मकई को धूप में रखें, इससे पॉपकॉर्न अच्छे बनते हैं। नंबर 40, दूध को ज़्यादा देर तक पकाने से उसमें मलाई ज़्यादा पड़ती है। नंबर 41, हलवे में चीनी डालने की जगह चाशनी बनाकर डालें, हलवा टेस्टी बनेगा। नंबर 42, केले के गुच्छों को लटका कर रखने से केले जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। नंबर 43, बेसन के घोल में उड़द दाल का पेस्ट डाल देने से पकौड़े स्वादिष्ट बनते हैं। नंबर 44, दूध को उबलते समय उसमें एक लकड़ी के चम्मच रख देने से दूध बाहर नहीं जाएगा। नंबर 45, बरसात के दिनों में मसाले को ख़राब होने से बचने के लिए कांच के जार में रखें। नंबर 46, बरसात के मौसम में चावल में कीड़ा लगने से बचाने के लिए उसमें नीम की पत्तियां डाल दें। नंबर 47, दाल को जल्दी पकाने के लिए उसमें हल्दी और थोड़ा सा तेल डाल दें। नंबर 48, मसाले को डब्बे में भरते समय थोड़ा सा नमक डाल दें, इससे मसाले में जाले नहीं लगते हैं। नंबर 49, आलू उबालते समय उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला दें, आलू जल्दी उबल जाते हैं। नंबर 50, ज़्यादा नमक खाने से शरीर की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।